अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम सलाम बेटा। आपने बुलाया? आजा जी बैठ जाओ। बेटे तुम्हारी माँ ने जागीरदारनी जी की ख्वाहिश के बारे में तो तुमसे बात की होगी। देखो बेटे, हम तुम पर अपनी राय या कोई फैसला जो है वो मुसलत नहीं करना चाहते, और ये बात भी नहीं है कि तुमको सिकंदर से बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। अब इस हादसे के बाद देखो बेटा, दुनिया तुम्हें हमेशा तैमूर की बेवा की हैसियत से जानेगी और परखेगी, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूँ बेटा, जो इज्जत जो मर्तबा ये लोग तुम्हें देंगे कोई और नहीं दे सकता। एक अहम बात और भी है, इस वक्त हमें सिकंदर और उसके खानदान की सपोर्ट की जरूरत है। मेरा सियासी करियर बहुत अहम मोड़ पर है, इसे कुछ सौदेबाजी मत समझना। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें चारों जाविये से इस रिश्ते की अहमियत बताना है। बाकी मर्जी और इख्तियार तो तुम्हारा है, तुम हाँ करो या ना करो, लेकिन इस वक्त सिकंदर और माजी पर हम एहसान करने की पोजीशन में हैं, हाँ? और एहसान करना दरख्वास्त करने से लाख दर्जे बेहतर है। पर बेटा, सिकंदर से रिश्ता जोड़ने में बहुत सारी मसलहतें हैं। देखो बेटा, रिश्ता जो है वो इंसानों के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होता है, एक मर्द और औरत के दरमियान नहीं, बल्कि मुकाम इज्जत और मर्तबे के दरमियान होता है। और वो रिश्ता जो दो खानदानों की शान को बढ़ाए वो सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है, और सिकंदर के खानदान में ये तमाम खसूसियात मौजूद हैं। तुम आराम से सोच लो, जब फैसला कर लो तो अपनी माँ को बता देना। साहिबा मेरी पास जी आ रही।